एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। तो बताइए मैडम, जो आपका सपोर्ट कर, मैडम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो कैसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हम लोग उषा मैडम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखा जाए तो महिला कैंडिडेट फर्स्ट टाइम यहाँ पे खड़ी हो रही है, ठीक है। इतने साल से जितना भी पार्टीज लोग मतलब काम करें यहाँ पे, कोई वर्किंग तो लाइक हमको तो ऐसा नहीं बिलीव होता कि लाइक हाँ कोई भी ऐसा कोई बंदा मतलब ऐसा कुछ करा है, ठीक है। बट अभी हम लोग इसीलिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि मैम मतलब लोगों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि लाइक हाँ अपना बच्चा लोग है तो करना है, स्टूडेंट्स लोग भी है उनको भी आगे बढ़ाना है। हमारा यहाँ पे एक्चुअली मतलब देखिए आप रोड के हालत देख लीजिए, यहाँ का जो काउंसलर वंसलर जो भी है वो लोग कोई भी ऐसा परफेक्टली काम नहीं करे, तो एक होप है कि लाइक हाँ मैम अगर कर सकती तो करेगी, वो उनका पास में है तो वो करेगी, ठीक है। और दूसरा बात रहा कि आपका ये पॉलिटिक्स के बारे में उतना नहीं जानता, बट मैम का सपोर्ट इसलिए करता क्योंकि मैम को पता है कि क्या ही करना है, ठीक है। फ्यू ईयर्स लेटर मतलब इतना हो गया कि मतलब यहाँ पे जो उतना दंगा फैसा जो भी होता है, ठीक है, जो पॉलिटिशियन है उस लोग अपना जो गेमिंग करते हैं, ठीक है, लाइक तो उस लोग जो भी थिंकिंग है उनका हमको नहीं पता, बट उस लोग जो करना है वो तो नहीं करते। रोड बन रहा है, क्यों बन रहा है? अभी फिलहाल आपने देखा होगा लाइक लंबा लाइन का वहाँ पे, पहाड़गांव का वहाँ पे रोड बन रहा है, क्यों बन रहा है? इलेक्शन आ रहा है इसलिए बन रहा है, इससे पहले ही डेवलप करना था, नहीं कर सके, हो गया ख़त्म। देन इसीलिए हमको मतलब एज अ यूथ, आप अंडमान का एक यूथ है तो आपको किस तरह का, आपको मतलब इलेक्शन तो होता है, बहुत सारे जन पिकेट बने भी है, तो किस तरह का आपको एज अ यूथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया? नहीं मिलता ना ब्रो, वैकेंसी नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ तो पॉलिटिक्स चलता है, सब जगह पॉलिटिक्स ही है ना, वैकेंसी कहाँ पे है? आपको मतलब MTS का पोस्ट निकला था 1000 समथिंग ऐसा कुछ निकला था, बट उसमें वैकेंसी में जितना जन जो मतलब पैसा दिए थे उनको मतलब लाइक मिला, और जिनके पास जो मतलब सेकंड अपॉर्चुनिटी जिसको मिला था उनको जॉब ही नहीं मिला फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये है ना, ये तो क्लियर हो गया कि पॉलिटिक्स अंडमान पे चल रहा है। हाँ नमस्कार मैम, मैम आप उषा कुमारी मैम हम लोग साथ है, जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन में हम लोग साथ खड़ी है, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है और किस तरह का आपका मैनिफेस्टो बनाई है आप? मैनिफेस्टो जो भी गरीब लोग का आम जरूरत है, जो दीपों का जरूरत है, बड़ा बड़ा जुमला या बड़ा बड़ा वादा करने में हम बिलीव नहीं करते कि जो आम आदमी का, जैसा कि आप देखिए आम आदमी का राशन का कार्ड में से चीनी गायब हो गया, पहले था लेकिन अब नहीं है। इस तरह छोटा छोटा मुद्दा बहुत है, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये तो आम मुद्दा है, फिर भी वो आज तक कहीं भी भरपूर नहीं। 5 साल में हर एक आदमी नया वादा करता, हाँ भाई ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, आप लोग हर तरह का लोगों को वोट दे के देख लेंगे। तो इस बार जनता से मेरा गुजारिश है कि एक बार हमको एक बार चांस दो, क्योंकि हम ये धरती का बेटी है। मेरा नाना जी फ्रीडम फाइटर यहाँ के थे, उस टाइम से यहाँ से हम लोग वहीं का मतलब 7-8 पीढ़ी हम यहाँ पैदाइश है, तो एक बार हम लोग क्यों कोशिश ना करें? जो मुद्दा से हम लोग गुजर रहे हैं वो मुद्दा का आगे हम लोग क्यों ना कोशिश करें? कि हम लोग बोलते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो जिस वक्त कोशिश करने में क्या जा रहा है, क्या पता जनता को अगर बदलाव चाहती है तो, अगर जनता सपोर्ट करती तो हर वो उल्लू का हर वो कसौटी में खरा उतरने का कोशिश करेगी जो मेरे से वो जनता लोग अपेक्षा रखती है। अच्छा, पूरा का पूरा 100 तो नहीं बोल, वादा तो नहीं कर सके 100% हम एकदम माहौल बदल देगी, लेकिन हर वो मुद्दा जिससे गरीब होके गुजरता वो मेरा वादा है कि गरीब लोग का, जैसा कि स्कूल का बात हो गया, हम लोग का सरकारी स्कूल का जो हालत है, मेडिकल का जो हालत है, जितना मेरे से हो सकेगा वो सारा चीज़ को हम अपडेट करके देने का कोशिश करेंगे। अच्छा मैम, सामने जो 2-3 जो बड़ा पार्टी है मैम, हाँ तो आपका किस तरह का आप कॉन्फिडेंट है उनका सामने और पब्लिक किस तरह? 100% कॉन्फिडेंट है। देखिए इस लोग भी पैदा होते साथ ही नेता नहीं थे ना, या तो फिर लोग एक्सपीरियंस हो के नेता बने हैं, या तो फर्स्ट टाइम में जो खड़ा है वो जीत गया, ऐसा नहीं है। जीत हार बात का बात है, आप है कि आप आगे आओ,
अगर आपको कुछ समस्या दिखता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो आप आगे आइए ना। दिक्कत क्या है वो तो जनता तय करेगी, ये हम नहीं तय करेंगे कि हम क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे, ये जनता तय करें। जनता को ऊपर छोड़ देते हैं, उनको क्या सही लगे वो करेंगे। खड़ा होना मेरा जब वो है हम खड़ी हो रहे हैं जाके, बाकी जनता चुने। अच्छा मैम, जितने भी रैली है कैंपेनिंग वगैरह का कल लास्ट डेट है, तो पब्लिक का किस तरह का सपोर्ट आपको मिला है, किस तरह का आपको एंकरेज हुआ है? सर देखिए, इंडिपेंडेंट होने का बावजूद भी जो लोगों का रिस्पांस मेरा साइड आ रहा है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप बोले जितना दिग्गज लोग खड़े हैं, रूलिंग पार्टी का लोग खड़े हैं, प्लस रूलिंग लोग पहले जो थे सिटिंग एमपी भी दोबारा सब खड़े, उनका बीच में अगर फिर भी लोगों का मेरे लिए इस तरह रिस्पांस आना मेरे लिए काफ़ी धन्यवाद वाला बात है। सबको हम इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते कि इतना लोग फिर भी काफ़ी लोग मेरे लिए सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।